नमस्कार, तोशी बुक्स पर आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, ये है काफ़ी वायरल हो रहा है अब, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए आज इस वीडियो में हम यही ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। सबसे पहले पैन में हम बटर डालेंगे। ये मैंने 10 ग्राम बटर लिया है और आप बटर की जगह पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दो ब्रेड एक साथ पैन में रखेंगे और इन दोनों ब्रेड को ही हम सुनहरा होने तक दोनों साइड से सेक लेंगे। मेरे पास घर पे ब्राउन ब्रेड ही रखा हुआ था तो मैंने वो लिया है, आप वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड तो इसकी सुनहरी हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड भी इसे थोड़ी देर सेकेंगे और फिर इसको हम पलट के चेक कर लेंगे। पलट लेते हैं इसे अब हम। देखिए, ये साइड भी इसकी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब मैं हल्का सा गैस को स्लो कर रही हूँ। अब हम आधा कप दूध लेंगे और दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आधा कप दूध हम एक साथ ही नहीं डालेंगे इसमें, एक साइड पे हम सिर्फ 1/4 कप दूध इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड को पूरे पैन में इस तरह से घुमाएंगे ताकि ब्रेड दूध को सोख ले। इन्हें हम पलट लेते हैं। अब इस पे भी हम दूध डाल लेंगे 1/4 कप और सारे पैन में इस तरह से घुमाएंगे इसे ताकि कम्प्लीटली दूध एब्जॉर्ब हो जाए। ध्यान रहे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना हमें इसे पलटने में या पैन से निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अगर दूध ज़्यादा भी हो जाता है तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, बस आपको सर्व करने में दिक्कत होगी। लीजिए, ब्रेड तो हमारे तैयार हो गए हैं, अब इन्हें मैं पैन से निकाल लेती हूँ। थोड़ा ध्यान से निकालना इसे क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ब्रेड के ऊपर शहद इस तरह से फैला लेंगे। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं इसको कैसे बने हैं। इसका टेक्सचर तो बहुत ही सॉफ्ट है। नो डाउट, खाने में तो काफ़ी टेस्टी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है ये स्नैक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन्जॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।